हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आप भी अपना घर में इस तरह से एक छड़ी बनाना चाहते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है और उसका हाइट कितना लेना चाहिए तो और कौन सा ग्रेड में यूज़ करना चाहिए। ओके, अगर आपको चीप एंड बेस्ट में बनाना है बोले तो 202 का ग्रेड यूज़ करना, नहीं बोले तो 304 का ग्रेड यूज़ करना। यहाँ पर मेरे को कैसा हुआ था, काम तो मेरे को फास्ट होना था जल्दी, सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन में बना को गए, कारीगर भी जल्दी बना को गए, खुशी की बात है, अच्छा लगा मेरे को भी, फास्ट में हो गया। और पूरा डबल मंजिल है, टोटल हमारा रनिंग फीट बना था 54 फीट तक लगभग। ओके, 54 फीट तक, तो वहाँ तक जो खर्चा हमारे को लगा है 28,000 रुपीज़ का जो है ना, विथ मटेरियल के साथ कारीगर का खर्चा लगा है। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, छड़ी का जो राइज़र रहता है वो 6 इंच का लीजिएगा, छड़ी का जो थ्रेड रहता है वो 12 इंच भी ले सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो, अगर आपके पास जगह कम है बोले तो 10 इंच का भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर रहता है। फिर उसके अलावा ये जो विड्थ रहता है, देखो चौड़ाई ये वाला, ये यहाँ पर तो हम 3 फुट अंदर का अंदर 3 फुट 3 इंच तक जगह मिल रहा है, बहुत ही स्पेसियस लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। तो इसके अलावा आप चाहे तो 3 फुट तक भी ले सकते हैं, ऐसा विड्थ में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा जो हम स्टेप्स पाँव रखते हैं ना वो वाला 1 फिट तक लीजिएगा, सो दैट आपका पैर जो है आराम से बैठ सके। एंड ये राइज़र ऐसा वाला जो है 6 इंच तक आप ले सकते हैं। ऐसे स्टील में 2 टाइप का है, 204 304, और आप ग्लास का भी बना सकते हैं, वुड का रेलिंग भी बना सकते हैं और MS का भी रेलिंग बना सकते हैं। कौन सा बेटर रहेगा इन सब में, आपका बजट में मीडियम बजट है बोले तो SS का ही बना लीजिएगा, आपका बजट हाई है एकदम पॉश झक्कास लुक होना बोले तो आप लोग जा सकते हैं ग्लास रेलिंग पे, उसमें बहुत टाइम लगता है, फर्मा कट करने के बाद ही जो काम शुरू होता है तो उस और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें आपको देरी लग सकती है। और इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है ये बेंड के पास, ये वाला बेंड अगर आप उन्हें जॉइंट करें बोले तो अच्छा, नहीं तो यहाँ पर क्या है ऐसा सेपरेट सेपरेट रखे, ये सेपरेट रखने के बदले ना उन्हें जॉइंट करें तो और बेस्ट लगता। एंड इसका हाइट कितना रहना ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे इन्हों जो बनाए हैं ना ये 3 फुट तक भी नहीं आया, थोड़ा कम हो गया, सो 3 फुट तक तो आना चाहिए था, यहाँ पे 3 फुट बना हुआ है, 3 फुट हाइट आया, देखो सभी का रेलिंग का हाइट जो है ना 3 फुट तक आया है। सो आप चाहे तो 3 फुट 3 इंच भी बनवा सकते हैं, कई को बोल रहे तो कुछ छोटे बच्चे रहते हैं ऐसा गिरने का ज़्यादा चांसेस रहता है, यहाँ तक रहे तो क्या है सेफ्टी लेवल बढ़ जाता है। सो हाइट जो है ना 3 फुट 3 इंच तक करवाए तो और बेटर रहता मेरे ख्याल से, 3 फुट 3 इंच। एंड यहाँ पे भी अगर आप 304 का बनाए बोले तो इधर एक ग्रेड लीकेज हो रहता है, इसके ऊपर भी रहता है, इसके ऊपर भी रहता है, एंड ये पाइप के ऊपर भी ग्रेड रहता है। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट इसके ऊपर भी लीकेज हो रहना चाहिए, तो सिर्फ आप लोग ग्रेड क्या है इस पेज नहीं देखना, पूरे पाइप पे देख लेना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये अंदर की तरफ है, कितने सालों तक भी ये पूरा डिम नहीं पड़ता, सालों साल तक ऐसे ही चलता। खर्चा वही बताया 28,000 का खर्चा आया, अभी आपको भी थोड़ा दिखाता हूँ किस तरह से काम करे बोल के, यहाँ लोकल में बनवाया था SS रेलिंग भवानी स्टील्स के द्वारा, 450 रुपये रनिंग फिट लिए 202 ग्रेड का, बहुत ही हाई लिए, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा कॉस्ट हो गया बोल के। इन माय ओपिनियन अगर उन्होंने 350 रुपये या फिर 400 रुपये लेते बोले तो भी सेटिस्फेक्शन था, बट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ा हुआ है ये वाला, उनको तभी मैं बोलना था ऐसा बनाना बोल के, ये थोड़ा ऐसा हो गया। ये फिलहाल इस तरह से दिख रहा, देखो चुप, सेफ्टी की रीज़न से मैं ये बनवाया, ये देखिएगा बहुत ही कम हाइट दिख रहा था मुझे, ये कितना 2 फुट 9 इंच तक दिख रहा है, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा लगवाया हूँ सो दैट थोड़ा सेफ्टी लेवल बढ़ना बोल के। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ यही है आप लोगों को, ये जो ये तो जॉइंट करें उन लोग ठीक है, ये वाला जॉइंट करें तो और अच्छा था, ये नहीं करे, देखो यहाँ पे ये करना चाहिए था उन लोग, मैं बताया भी था उनको करो बोल के, नहीं करे वो लोग,
ये करने को लगा है तो क्या है, और ज़्यादा मजबूती, ऐसा हिलता नहीं है पाइप, फिर भी अभी भी ठीक ठाक ही लग रहा मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा रेलिंग बनाने के लिए पूरा ऊपर तक बनाए, देखो वहाँ तक। वहाँ से उधर तक गया, देखो पूरा लास्ट तक बनाए। 28,000 तक खर्चा आया देखो रेलिंग का। वो MS का मत बनाओ, होना बोले तो लकड़ी का भी बना सकते हैं आप लोग। इसमें तरह तरह का रेलिंग है, ऐसा इतना सारे वैरायटीज है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उतने टाइप का रेलिंग्स आप लोग बनवा सकते हैं। ये ऊपर का जो है, नीचे का MS का बनवा के ऊपर का वुड का भी बना सकते हैं। वो बहुत झंझट है यार, उसके चक्कर, उसको कलर मारना, फिर कुछ सालों के बाद मेंटेनेंस भी रहता, उसकी वजह से वो मैं झंझट छोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए मैं इस पे गया। SS में ठीक ठाक लगा मेरे को, चीप एंड बेस्ट, और देखने में भी ठीक है। उससे बेस्ट हाई लग्जरियस वाला बने तो ग्लास का बना लेना, वो 1750 रुपये रनिंग फिट या 1950 रुपये रनिंग फिट से आता वो। उसमें बहुत बारीकी काम है, वो बहुत धीरे से काम करना पड़ता आप लोगों को, ये थोड़ा सा ध्यान रख लियो। एंड आयरन का तो खत्ता ही नको बनाओ, सही में बोल रहा हूँ, आयरन का मत बनाओ, वो ज़रूरी नहीं है। आयरन का बनाए तो सही नहीं लगता है मेरे ख्याल से, तो आयरन का मत बनाओ, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट ही हो गया, तो थैंक यू। इसका फुल वीडियो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मैं अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। धन्यवाद।